ऐसा बनना चाहिए, हाँ तो उस तरह से रोटेट करना पड़ता। सम्मानित मुल्क के मालिकों, अभी आप हैं लखनऊ की पावन धरती पर, ये वो स्थल है जो माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में बहुजनों के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान में बहुत ही खूबसूरत इको गार्डन बनाया था, और भगवान बुद्ध के दर्शन में जो हाथी महत्व रखता है उस हाथी को भी स्थापित किया था। हाथी अकेला यही स्थापित नहीं है, भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां हाथी स्थापित नहीं है, और आप सामने देख सकते हैं कितनी विशाल काय बिल्डिंग है। और आज एक्चुअली गर्मी ज्यादा होने की वजह से मंदिर कौन से गेट से घुसे थे, गेट नंबर कितना था जहां घुसे थे? एक गेट खुला होगा उसमें एंट्री हो जाएगी आपकी भीतर गाड़ी की। अभी एक सेकंड में हमें गेट नंबर पता कर सकता हूँ, एक सेकंड। बहुत भव्य बिल्डिंग है, देख रहे हैं आप, ये तो विदेश में भी इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग नहीं बनी होगी, इतना भव्य एरिया ताजमहल से भी ज्यादा अच्छा बना है, इतना एरिया आप पैदल नहीं घूमते। ये मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल है, और ये इतना भव्य दिव्य है, मैं अलग अलग देशों में घुमा हूँ लेकिन इतना बड़ा स्मारक मैंने कहीं नहीं देखा है। तो ये बहुत बड़ा स्मारक यहाँ पर है, मान्यवर श्री काशीराम स्मारक स्थल है। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा कि बहुजनों का शासन हो तो बहुजनों के शासन में इस तरह की विरासतें यहाँ पर फिर से बने। यहाँ पर दरअसल आज गर्मी इतनी है कि हम लोग पैदल नहीं घूम सकते, इसलिए हम लोग गाड़ियों में पूरा ये स्मारक घूम रहे हैं। और ये विशाल कितने एकड़ में है, ये 311 एकड़ में बना हुआ ये स्मारक है। तो कोई या इंसान पैदल ये पार नहीं कर सकता है, तो आज हम लोग ये गाड़ियों से, मेरे पीछे आप देख रहे हो कि बुद्ध के दर्शन में जिस हाथी को महत्व प्राप्त है, हमारी गाड़ियां बहुत एक तरह से बुद्धिज्म का एक ये स्मारक है, जहां पर बुद्ध के दर्शन में जो चिन्ह हुआ करते थे हाथी, ये जो सिंबल हुआ करता था, वो यहां पर बनाया गया है। ये इस तरह से बुद्धिज्म को रिवाइव करने का एक बहुत बड़ा स्मारक यहाँ पर है। धन्यवाद। ऊपर और चलिए और आपको ऊपर दिखाते हैं क्या क्या।
अंदर है तो सर झूठ बोल रहे क्या देखो जहाँ पर बाबा साहब के सब दृश्य लगे हैं वहाँ पे सरकार ने लाइटें काट रखी है। फेसबुक बोलते हो तो सरकार ने यहाँ पर लाइटें काट रखी है बाबा साहब के स्मारक पे, बाबा साहब के जहाँ पर जीवने की यहाँ जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर जहाँ पर अंकित है वहाँ पर लाइट बंद रखी हुई है, पूरे स्मारक की लाइट बंद रखी हुई है। तो देखिए जब तक हमारा शासन था तो इतने बड़े बड़े विरासतें हमने बनाई, हमारा शासन चला गया है, आज हमारी सरकार ही नहीं है तो यहाँ पर लाइटें भी जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बड़े बड़े स्टैचूज को अंदर अंधेरे में रखा गया है। तो जिस दिन हमारी सरकारें बनेंगी इस उत्तर प्रदेश में, उस भारत में, तो जो लोगों ने हमारी लाइटें काटने का काम किया है हम उन लोगों को इस देश से भगाने का काम करेंगे। फोटो लेते हैं, बहुत अच्छी फोटो संख्या।